हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट यूनिट स्टार्ट की हुई है। ये इसका सेकंड पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आज का टॉपिक रहेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इससे पहले वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज का टॉपिक रहेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यदि आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो नेट कहाँ है, नेट क्या है। नेट हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। नेट का मतलब क्या होता है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से क्या होता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है। मीन क्या हुआ, नेट जैसे हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था। क्लियर। उसके बाद पढ़ा था हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या किया था, इनडायरेक्ट टैक्स में से हमने क्या करा था, सब्सिडी को माइनस कर दिया था। इसी तरह से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए भी इसमें से हमें कुछ माइनस करना होगा। अब आते हैं हम फैक्टर इनकम पर। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम पहले भी पढ़ चुके हैं। फैक्टर इनकम में क्या था, जब हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में उनको कुछ पेमेंट किया जाता है, किसी काम के बदले में। ऐसे ही नहीं मिलता उसको, यदि बिना किसी काम के मिलता है तो वो ट्रांसफर इनकम में आ जाता है। फैक्टर इनकम कब होगी, जब उसे किसी काम के बदले में पेमेंट मिलेगा। फ्रॉम एब्रॉड क्या होगा, यानी एब्रॉड से प्राप्त की हुई। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से मतलब हुआ फैक्टर इनकम, फैक्टर को जो इनकम प्राप्त हुई एब्रॉड से, नेट फैक्टर इनकम नहीं हुआ है। अब ये इसको लिया है हमने शॉर्ट फॉर्म में, किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। अब NFIA हमने क्यों यूज करते हैं, जिससे कि जैसे कि हम बड़े बड़े फॉर्मूले करते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए, फॉर्मूलेज यूज करते हैं, तो इसको इतना बड़ा वर्ड यूज ना करके इसकी शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं NFIA। अब आते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको क्या कहा जाता है। इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसका डिफरेंस है ये, फैक्टर इनकम जो रिसीव की गई है, कहाँ से रिसीव की गई है, फ्रॉम और टू, ये दो वर्ड्स इसमें ध्यान रखने हैं आपको, फ्रॉम एंड टू। कहाँ से की गई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, जैसे हम इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया के जो सिटीजन होता है, इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्री होगी वो उसके लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा। अदर कंट्री को क्या बोला जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ये सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर इनकम जो रिसीव की गई है कहाँ से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और फैक्टर इनकम पेड, फैक्टर इनकम पेड की गई है किसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम रिसीव की गई, मीन क्या हुआ, 1000 रुपी हमारी फैक्टर इनकम रिसीव की गई, ठीक है। अब 500 ये तो हमने रिसीव की है फैक्टर इनकम, ये क्या की गई, रिसीव की गई। और पेमेंट कितना किया, फैक्टर इनकम ही पेमेंट किया है, कितना किया है, 500, जो इसका डिफरेंस होगा कितना है, 500, ये होगा हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मीन क्या हुआ, जब हमारी फैक्टर इनकम जो हम अब्रॉड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जो अदर कंट्री के फैक्टर होते हैं वो हमारी कंट्री से रिसीव करते हैं पेमेंट, उसका जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर, दोबारा देख लेते हैं इसको। इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमारे देश के जो रेजिडेंस होते हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर फैक्टर इनकम प्राप्त करते हैं, यानी दूसरी कंट्री में काम कर फैक्टर इनकम प्राप्त करते हैं। रेजिडेंस वो हमारे कंट्री के ही है, इंडिया के ही है, लेकिन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में वो वर्क करते हैं। जैसे वो सिंगापुर में जाते हैं या कनाडा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, वहां पर जाकर वर्क करते हैं, और उसके बदले में जो उनको पेमेंट मिला उसे हमने मान लिया 1000 रुपये मिला है। उसी तरह से अदर कंट्री के व्यक्ति हमारे देश में आते हैं, नॉर्मल रेजिडेंस वो उसी कंट्री के हैं जहाँ से आए हैं, हमारे देश में आते हैं और उनको हम पेमेंट करते हैं उनके काम करने के बदले में, वो सपोज 500 है, तो उन दोनों को माइनस करके जो हमें प्राप्त हो रहा है वो होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर, क्या होगा वो, नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रॉड। जैसे NFIA मीन क्या हुआ, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द एब्रॉड, यानी हमारे देश के सिटीजन के द्वारा, हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की गई, कहाँ से, फ्रॉम एब्रॉड, उसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड एब्रॉड। जो हमारे देश में किसी व्यक्ति ने काम किया, दूसरे देश के व्यक्ति ने, दूसरे देश के रेजिडेंस ने हमारे देश में काम किया कि है, फैक्टर इनकम उनको दी है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। किसमें से, अर्न फ्रॉम द एब्रॉड से, पेड एब्रॉड को माइनस कर देंगे, किसकी, फैक्टर इनकम को। तो वो क्या हो जाएगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इससे क्या मतलब हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस। इसमें मेन वर्ड क्या हुआ, नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, नॉर्मल रेजिडेंस से मतलब होता है जो व्यक्ति एक साल से ज्यादा किसी देश में रहता है वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंस बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी देश में जाता है, अब्रॉड गया है, जैसे वो वहां पर कुछ समय के लिए काम करके वापिस आता है, तो नॉर्मल रेजिडेंस वो कहाँ का होगा, इंडिया का होगा। सपोज वो एक साल से ज्यादा उस कंट्री में काम करता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंस उसी कंट्री का कहलाएगा जहां पर वो वर्क कर रहा है, और जो वो फैक्टर इनकम होगी वो भी उसी देश की हो जाएगी, हमारे देश की नहीं रहेगी। तो जो व्यक्ति एक साल से ज्यादा जिस कंट्री में रहता है वो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंस होता है, और वो फैक्टर इनकम भी उसी देश की काउंट होती है। क्लियर। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने कंट्री के द्वारा के अलावा किसी भी कंट्री से वो जो अर्न करता है वो क्या कहलाएगा, इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, वेजेज की फॉर्म में करेगा, और सैलरी की फॉर्म में करेगा, रेंट की फॉर्म में करेगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। वेजेज जैसे लेबर करते हैं तो उन्हें वेजेज मिलती है, सैलरी हो गई रेंट के रूप में, यानी कोई कंपनी हमारी बाहर है या हमने कोई मतलब बिल्डिंग रेंट पे दी है उसका जो रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, यानी हम कोई कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जैसे कंपनी होती है, कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी जो अपना शेयर्स लगाते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट मिलता है उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को चला जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा डिविडेंड। प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को जाता है वो कहलाएगा हमारा डिविडेंड। और रिटेन अर्निंग क्या हुआ, शेयर होल्डर को देने के बाद उस डिविडेंड को माइनस करने के बाद जो हिस्सा लेफ्ट प्रॉफिट जो बचता है उसको बोलेंगे हम रिटेन अर्निंग। तो इन सब की फॉर्म में जो भी इनकम हमें प्राप्त होती है वो कहलाएगी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर। अब आते हैं हम फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द अदर कंट्री। यानी फैक्टर इनकम टू एब्रॉड से मतलब हुआ जो नॉर्मल रेजिडेंस अदर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस क्या करते हैं, हमारी कंट्री में आकर वर्क करते हैं और उसके बदले में जो हमारी कंट्री उनको पेमेंट करती है वो कहलाएगी फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। क्लियर। एंड फॉर देयर फैक्टर सर्विस विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। और उनकी जो फैक्टर सर्विस है किसमें होनी चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी में होनी चाहिए। बस इसमें एक ही चीज याद रखनी चाहिए, जिस देश का वो नॉर्मल रेजिडेंस होगा उसी की वो फैक्टर इनकम में काउंट होगी। तो क्या रहा इसका, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से क्या करेंगे, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को माइनस कर देंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से मतलब क्या हुआ, जो फैक्टर इनकम अर्न करता है एब्रॉड से, यानी हमारे देश का व्यक्ति जो अदर कंट्री से अर्न करता है, जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर अदर कंट्री से अर्न करता है वो हो गई फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अर्न। और फैक्टर इनकम पेड एब्रॉड, अदर कंट्री का व्यक्ति हमारी कंट्री में आकर क्या करता है, वर्क करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में जो उसको पेमेंट दिया जाता है वो होता है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी पेड टू द एब्रॉड। सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA, सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया उसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, NFIA क्यों यूज किया जाता है, ये क्या करता है, डोमेस्टिक इनकम जो होती है हमारी और नेशनल इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम अर्न की जाती है वो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी, और नेशनल इनकम में ऑल ओवर द वर्ल्ड और अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस, इनको जो डिफरेंस बताता है वो होगा हमारा NFIA, इसी के द्वारा हम इन दोनों के डिफरेंस को जान पाएंगे। NFIA इज सिग्निफिकेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम।
इन पर्टिकुलरली एस्टिमेट डोमेस्टिक इनकम इज एस्टिमेटेड फर्स्ट टाइम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करेंगे एंड देन नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम इन द फॉलोइंग मैनर. तो उसमें क्या करेंगे, जब हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी उसमें हम प्लस कर देंगे NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. देखिए NFIA कैसे निकालेंगे, हमने इससे पहले देखा था NFIA. NFIA निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम जो अर्न की गई अब्रॉड से, माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, जो फैक्टर इनकम हमने पेड की है अब्रॉड के व्यक्ति को. तो इस तरह से, तो जब हमारा NFIA निकल जाएगा तो इस तरह से हम नेशनल इनकम को डिराइव कर सकते हैं. जब डोमेस्टिक इनकम में हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, नेशनल इनकम. देखिए नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको यही याद रखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसमें से क्या माइनस करना है हमें, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको हमें माइनस करना है. और जब ये माइनस कर देंगे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो निकलेगा हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसको हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर नेशनल इनकम को डिराइव कर सकते हैं. द डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज टर्म्ड एज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसको क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA. नेशनल इनकम कैसे डिराइव किया हमने, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. नेशनल इनकम कैसे डिराइव किया, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. अब देखते हैं NFIA कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो. NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव कैसे होती है. NFIA इज पॉजिटिव व्हेन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू द अब्रॉड. अब ये समझ में आ गया, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ये इनकम अर्न की है, फैक्टर इनकम अर्न की है कहाँ से, अब्रॉड से. और इनकम पेड टू अब्रॉड यानी जब हमने अर्न किया 1000, क्लियर, और उसमें से माइनस कर दिया जो हमने पेड किया, वो किया हमने 400, तो हमें कितनी मिल गई, 600. ये क्या हो गई, पॉजिटिव में आई ना हमारी. तो पॉजिटिव कब होगी, जब हमारी अर्न की हुई इनकम नेट जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मोर देन, वो ज्यादा होगी किससे, फैक्टर इनकम पेड टू द अब्रॉड. तो तब क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, क्या, NFIA, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी. कब होगी, जब हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन, वो ज्यादा होगी किससे, फैक्टर इनकम टू पेड अब्रॉड. नेक्स्ट वन, NFIA इज नेगेटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड इज लेस देन इनकम पेड टू द अब्रॉड. सपोज हमने इनकम अर्न की है कहाँ से, अब्रॉड से, वो हुई है हमारी 700 और हमने जो वहां पर पेड किया है वो किया है 1000. जो फैक्टर इनकम हमारे जो व्यक्तियों ने, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने वहां से फैक्टर इनकम प्राप्त की है वो हुई है हमारी 700. जो अब्रॉड के व्यक्तियों ने फैक्टर इनकम जो अर्न की है वो हुई है 1000, तो वो क्या हो गए हमारे, -300. तो इस तरह से हमारी जो फैक्टर इनकम हुई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो क्या बन गई, नेगेटिव. देखिए हमारी पॉजिटिव कब होगी, NFIA पॉजिटिव कब होगी, जब हमारी फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू द अब्रॉड. और NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारी नेगेटिव कब होगी, जब इसमें से जो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन, ये कम होगी किससे, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. क्लियर. अब आएगी NFIA यानी जब ये जीरो कब होती है, जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाती है, जब ये दोनों इक्वल हो जाती है, यानी ये भी 1000 है जो हमने अर्न की, जो हमने पेमेंट किया अब्रॉड के फैक्टर्स को, वो भी 1000 थी, तो ये क्या बन जाती है, जीरो. तो क्या ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. नेक्स्ट वन, कॉम्पोनेंट ऑफ NFIA. कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले हमने दिया नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, यानी जो हमने इसमें भी क्या होगा, नेट का मतलब वही हो गया कि हम किसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे, यानी जो हमने रिसीव किया माइनस पेमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट में बन जाएगा. कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो हमने कंपनसेट किया है, एम्प्लॉय को जो हमने पेमेंट दिया है,
यानी हमारे व्यक्तियों को जो पेमेंट मिला अब्रॉड से, माइनस क्या हो जाएगा, जो हम दूसरे व्यक्ति को मीन अब्रॉड के फैक्टर्स को जो पेमेंट किया हमने, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स अदर अदर कंट्री में क्या कर रहे हैं, वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैक्टर प्रोडक्शन है। तो वो क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 1 साल से कम रह रहे हैं, उसमें से माइनस कर लिया जाता है। सिमिलरली पेमेंट जो किया जाता है मेड टू द नॉन रेजिडेंट्स, जो नॉन रेजिडेंट्स हमारे देश के हैं उनको जो पेमेंट किया जाता है, वर्कर्स जो होते हैं उनको स्टेइंग और एम्प्लॉय विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं ऑफ ए कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर। यानी जो व्यक्ति हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, दूसरी देश में वर्क कर रहे हैं, उनकी फैक्टर इनकम में से हम माइनस कर देंगे। जो व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट है हमारे देश में, उनको जो पेमेंट किया जाता है उसमें से वो माइनस कर लिया जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, आपका वेजिज आ जाएगी, जो हम वेजिज देते हैं, सैलरी देते हैं। तो ये जो वेजिज और सैलरी हम अदर कंट्री से प्राप्त करते हैं और अदर कंट्री के व्यक्तियों को हम अपने देश से पेड करते हैं, उन दोनों को माइनस करके जो हमें प्राप्त, वो क्या होगा, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या हुआ, जैसे हमारे देश की प्रॉपर्टी, यानी हमारे देश का कोई व्यक्ति है, उसकी कोई कंपनी क्या है, सिंगापुर में है या किसी भी कंट्री में, यूएसए में है, उससे जो प्रॉपर्टी से उसको रेंट प्राप्त होता है, उसमें क्या प्राप्त होगा, रेंट होगा, इंटरेस्ट होगा या डिविडेंड, यानी उनका उससे किससे, प्रॉपर्टी से हमें रेंट प्राप्त होगा, एंटरप्रेन्योर्स को क्या होगा, इंटरेस्ट प्राप्त होगा, तो और डिविडेंड जो हमारे शेयर होल्डर लगे हुए होंगे, वहां पर शेयर्स लगे हुए होंगे, उन शेयर होल्डर्स को जो मिलेगा वो डिविडेंड, ये सब क्या होगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमें प्राप्त हुआ, क्या क्या, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हमें प्राप्त हुआ, हमारे फैक्टर्स को प्राप्त हुआ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, रेजिडेंस वाले इंडिया के, और जो नॉन रेजिडेंस थे अदर कंट्री के रेजिडेंस थे, और हमारे कंट्री में जो नॉन रेजिडेंस थे उनको जो हमने पेमेंट किया उसको माइनस कर दिया जाएगा, उससे क्या आएगा, हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी हमारे देश में जो रिसीव किया गया, क्या रिसीव किया गया, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड अदर कंट्री से जो हमने रिसीव किया, माइनस क्या करेंगे, जो हमारे देश से जिस व्यक्ति ने, अदर कंट्री के व्यक्ति ने, अदर कंट्री के रेजिडेंस ने, हमारे कंट्री के नॉन रेजिडेंस ने, जिसने रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड प्राप्त किया, यानी हमने उसको पेमेंट किया, उससे जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा, हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हो गया? यानी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो हमें रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड प्राप्त होता है उसमें से हम माइनस कर देंगे अदर कंट्री को जो हम पेमेंट करते हैं, क्या, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो ये इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब आता है नेट रिटेन अर्निंग। अब ये नेट रिटेन अर्निंग क्या होता है, ये होता है लेफ्ट प्रॉफिट। क्या होता है, रिटेन अर्निंग, लेफ्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट लेफ्ट प्रॉफिट से मतलब क्या हुआ, जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है, जो मतलब हमारी कंपनी का टोटल प्रॉफिट होता है, हम कुछ डिविडेंड्स को दे देते हैं, डिविडेंड के रूप में किसको दे देते हैं, शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। दूसरा पार्ट क्या जाता है, कॉरपोरेट टैक्स में जाता है। उसके बाद जो लेफ्ट बचता है, जितना भी प्रॉफिट बचता है, उसे क्या कहते हैं हम, रिटेन अर्निंग। सपोज क्या होता है, 100 रुपये है, 40 40 रुपये किसमें चले गए, शेयर होल्डर्स को चले गए, 10 रुपये किसी को चल गए, कॉरपोरेट टैक्स को। तो जो ये 50 रुपये बचे हैं, ये होगी हमारी हमारी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग। तो इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द रिटेन अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। यानी हमारी कंपनी, इंडिया की कंपनी कहाँ लोकेटेड है, अब्रॉड में लोकेटेड है, ये यूएसए हो, कनाडा हो, सिंगापुर हो, कोई भी कंट्री हो सकता है। वहां से हमें क्या मिली, रिटेन्ड अर्निंग मिली। क्या मिली, रिटेन्ड अर्निंग। इसी तरह से अदर कंट्री की जो कंपनी है जो इंडिया में लोकेटेड है, उससे जो उनको रिटेन्ड अर्निंग मिली है उसमें से माइनस कर देंगे। यानी इंडिया की क्या होगी, रिटेन्ड अर्निंग, ये इंडिया रिटेन्ड अर्निंग माइनस अदर कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
रिटेन अर्निंग, इसकी रेस्ट ऑफ द वर्ड की रिटेन अर्निंग, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट रिटेन अर्निंग। क्लियर हुआ? तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, वेजेज और सैलरी जो हमारे देश के व्यक्ति प्राप्त करते हैं और अदर देश के व्यक्ति प्राप्त करते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस हो जाता है, अदर कंट्री का और हमारे कंट्री का जो फैक्टर इनकम होती है वेजेज और सैलरी के रूप में, उसको बोलेंगे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। इसी तरह से नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा, जो हमें क्या मिलता है, जो हमारी कंट्री को अदर कंट्री से रेंट मिलता है, यानी हमारी कंपनी जो दूसरे देश में है वहां से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो हमारे देश में अदर कंट्री की कंपनीज है उसमें से रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड, एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं जो ये प्राप्त करते हैं, उन दोनों को माइनस कर देंगे। और नेट रिटेन अर्निंग में जो लेफ्ट प्रॉफिट होता है हमारे देश की का जो लेफ्ट प्रॉफिट होगा रिटेन अर्निंग होगी, और अदर कंट्री की जो रिटेन अर्निंग होगी उसको माइनस करके हम क्या निकालेंगे, नेट रिटेन अर्निंग। यानी इसमें सीधा सीधा सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो हमने रिसीव किया और ये क्या हो गया हमारा, जो हमने पेमेंट किया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा। तो एम्प्लॉय में जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है इसमें वेजेज और सैलरी का क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा, जो हमने रिसीव की वेजेज और सैलरी और जो हमने पेमेंट की, तो क्या बन जाएगी वो, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। इसी तरह से इसमें क्या होगा, इसमें भी रिसिप्ट और पेमेंट ले लो, किसका रिसिप्ट और पेमेंट, जो रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड हमने रिसिप्ट किया, रिसीव किया, और उसके बाद जो हमने पेमेंट किया, इसमें से दोनों को माइनस करके क्या निकालेंगे, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसी तरह से नेट रिटेन अर्निंग कैसे निकालेंगे, जो हमें रिसिप्ट हुई है, क्या रिसिप्ट हुई है, लेफ्ट प्रॉफिट जो हमें रिटेन अर्निंग जो हमें प्राप्त हुई है और जो हमने पेमेंट किया है, तो उसका डिफरेंस क्या निकाल करके क्या निकालेंगे, नेट रिटेन अर्निंग। आई होप यू अंडरस्टूड। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ Anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. I will try to make video on that topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.